नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। भूखे तो बड़े बड़े देखे, लेकिन इससे बड़ा भूखा कोई नहीं देखा। ये मेरा बैगन का पौधा है, जिसे मैंने प्लास्टिक की 2 लीटर वाली बोतल में लगाया हुआ है। कल शाम को जब मैंने इस पौधे को पानी दिया था, तब सब ठीक था, इसमें सभी पत्तियाँ थी। आज सुबह जब मैंने इसे देखा तो इस पौधे में एक भी पत्ती नहीं थी, क्योंकि ये भाई साहब सारी पत्तियाँ खा गए हैं और इसका पेट अब भी नहीं भरा है। और अब जो टहनियाँ बची हुई हैं, ये उन्हें भी खा रहा है। शायद आपके पेड़ पौधों के साथ भी ये कभी हुआ होगा, और ये भी हो सकता है कि ये हुआ हो और आपको पता ना चला हो कि ये किसने किया है। तो इस कीड़े की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये एक मौत का लार्वा है। मौत बटरफ्लाई की फैमिली से ही है, बस ये बटरफ्लाई के जितना सुंदर नहीं होता। रात में जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, उसके नीचे कुछ कीट पतंगों को आपने उड़ते हुए देखा होगा, ये उनका ही लार्वा है। इसके पीछे की तरफ सींग जैसा कुछ होता है, इसलिए इस लार्वा को हॉर्न वॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर ये कैसे पहुँचा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किसी मौत ने इस पौधे की पत्तियों पर अंडा दिया होगा। 3 से 5 दिनों में अंडा हैच हो जाता है, और उसके 6 से 9 दिनों के बीच लार्वा मीडियम साइज़ का हो जाता है। और इस स्टेज में इसे इतनी भूख लगती है कि ये जिस भी पौधे में होता है उसकी सभी पत्तियाँ खा जाता है, और सिर्फ 4 दिन में इसका साइज़ डबल हो जाता है। उसके बाद ये लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, और उसके 18 से 24 दिनों के बाद इस प्यूपा में से मौत निकलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फल और सब्जी लगने के लिए पॉलिनेशन यानी परागण बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉलिनेशन नहीं होता तो फल व सब्जियों के फूल पीले होकर गिर जाते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और कुछ और इंसेक्ट्स पौधों में पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ और तितलियाँ रात में नहीं उड़ती, इसलिए ये उन्हीं पौधों के फूलों को पॉलिनेट करती हैं जो दिन के समय खिलते हैं। जबकि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके फूल दिन के बजाय रात के समय खिलते हैं। उदाहरण के लिए बॉटल गाउट यानी लौकी के फूल रात के समय खिलते हैं और सुबह होते होते मुरझा जाते हैं, इसलिए तितलियाँ या मधुमक्खियाँ लौकी के फूलों को पॉलिनेट नहीं कर पाती। यहाँ हमारी मदद करते हैं मौत, जो ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं और भोजन की तलाश में ऐसे फूलों को पॉलिनेट कर देते हैं जो रात के समय ही खिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक छोटा सा जीव, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो हमारी मदद करता है। और अगर इस बैगन के पौधे की बात की जाए तो इस पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 10 से 15 दिनों में इस पौधे की पत्तियाँ दोबारा उगाएंगी। अब क्योंकि इसने इस पौधे की सभी पत्तियाँ खा ली हैं, इसलिए मैं इसे बैगन के इन पौधों में रख दूंगा जिनमें बहुत सी पत्तियाँ हैं, ताकि ये ज़रूरत के हिसाब से अपना पेट भर सके। इसने बहुत मजबूती से पौधे को पकड़ रखा है। मैं किसी दूसरी पत्ते की मदद से इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, हम सभी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और सभी एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के होने और ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पौधे लगाएं उनमें फल फूल व सब्जियां लगें, लेकिन कीट पतंग या फंगस पौधों पर ना लगे, तो ये नहीं हो सकता। हमें सबको साथ लेकर ही चलना होगा। और अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से इकोसिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे तो अंत में नुकसान आपका ही होगा, इसलिए प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।